ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सवा 10 की क्लास लाइव आ चुकी है और मैं संचित आपका एग्जामोपीडिया प्लस फिर एग्जाम फोबिया एंड्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत 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 स्वागत करता हूँ। तो सर पहले जल्दी से बता दो कि सर क्या मैं ऑडिबल हूँ और क्या मैं आपको विजिबल हूँ, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो सर थम्स अप कर देना आप लोग। मैं देख पा रहा हूँ सर काफी सारे लोग आ चुके हैं, मुस्कान आ चुकी है, कीर्ति आ चुकी है, मुस्कान गुड इवनिंग, कीर्ति, वंदना, प्रांजल है, प्रभा है, अथिस्त, गुफरान है, सर सब लोग आ चुके हैं। जल्दी से बाकी लोगों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, क्लासरूम, जहां पर भी आप कनेक्टेड हैं लोगों से, जिस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं, फिर से बात कर यहाँ पर लोगों को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। फैंटास्टिक, यहाँ पर मतलब अथिस ने बोला यस सर ऑडिबल है, सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया जल्दी से सेशन को आप पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए। और मैक्सिमम लोगों को बोल दो कि सर एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट नंबर 1 कल आ चुका है, क्या आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है? अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसका जो आपका एक मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको ऊपर आई बटन पे भी। लेकिन आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। जी हाँ, यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कैसे एक इतनी शानदार कौम, कैसे इतनी एक ताकतवर कौम जिसको बोलते हैं मराठा कौम, उसको अंग्रेजों ने धीमे 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 कहते हो ना कि आपसी रंजिश के चलते आपका बिल्कुल दीमक की तरीके से उसे खा गई और बाद में अपना परचम लहराने में मजबूत हो पाए अंग्रेज। तो कैसे वो सब कुछ हुआ वो सब कुछ आपको बताऊंगा मैं इसी क्लास में अगले आधे घंटे से पौन घंटे के अंदर। तो जुड़े रहना है और पूरा वीडियो देखिएगा, उनको यहाँ पे ट्रीटियों का अंबार लगने वाला है। हम जैसे हमने कल देखा था कल ट्रीटी बहुत सारी थी, तो वैसे आज संधियां को बाल आ जाएगी, लेकिन वो संधियां समझ में सारी आएंगी अगर आप सेशन देखोगे पूरा। चलिए मैं देख रहा हूँ वंदना आ चुकी है, जूही आ चुकी है, गुड इवनिंग, फैंटास्टिक। चलो सर लेट्स मूव, लेट्स बिगेन आर टुडे सेशन। पर सभी बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, तो जल्दी सबको बोल दो भाई खाना खा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, कान में फटाफट ईयर पीस लगाकर आप अगर हेडफोन लगाकर फटाफट आपको सुन तो कम से कम सकते हो मेरे भाई, क्योंकि अगर सुन लिया तो फिर इतिहास में ये कम से कम दो लड़ाइयाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। कोमल हेलो। चलो तो भाई ये है मॉडर्न हिस्ट्री का एंग्लो मराठा वॉर 2 एंड 3 का सीरीज, और सर हम लोग यहाँ पे एंग्लो मराठा वॉर कर रहे हैं, हमने पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। और सर ये आपका आज 10वां लेक्चर है, 9 लेक्चर आपको मिलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा आपको दे दूंगा मैं, ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगा। 9 लेक्चर की पूरी प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है और 2 MCQ की सीरीज आपकी अलग से चल रही है, ठीक है। चलो सर अगर आप पहली बार आए हो एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो भाई यहाँ पर चलती है 2 चीजें, एक चलती है रीजनिंग और एक चलता है GAGS। तो भाई 12:30 बजे अपनी रीजनिंग क्लास होती है और 6 बजे भी रीजनिंग क्लास होती है, 12:30 बजे भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिलॉग। जी हाँ, अगर आपको सिलॉग नहीं आता है तो भाई पेपर में आएगा, चाहे SSC का हो, चाहे आपका पेपर हो रहा हो, यहाँ पर कहते हैं हम लोग NTPC का, और चाहे आपका पेपर होने वाला हो हम लोग कहते हैं RRB का, तो सिलॉग जरूर आएगा। और सर 6 बजे आपका हम लोग पढ़ते हैं पजल को, तो पजल और सिलॉग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी हम लोग टॉपिक चला रहे हैं। 10:15 बजे, 10:15 बजे आपका यहाँ पर चल रहा है मेरे संग आपका हिस्ट्री। और सर बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं स्ट्रैटेजी वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो हाउ टू क्रैक RRB NTPC। तो RRB NTPC नहीं सर, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर IBPS RRB। जी हाँ, IBPS RRB। तो IBPS RRB को कैसे आप क्रैक करोगे, उसका एक स्ट्रैटेजी वीडियो, लास्ट ईयर कट ऑफ, सिलेबस, एवरीथिंग, जो आपको सर जो भी आपको डाउट्स हैं वो आपको मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, उसके लिंक आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। चल वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस द एग्जाम फोबिया एंड्स। पहले साहब हम समझते हैं यहाँ पर सर अराइवल ऑफ यूरोपियंस हम लोग पढ़ने की शुरुआत हमने करी थी 1498 में, हमने सर अराइवल ऑफ यूरोपियंस से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम समझ रहे थे तो हमने सर देखा था कि सर वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट पर्सन जो केप ऑफ गुड होप के थ्रू भारत में एंट्री ले चुके थे, कि आपका ये पहुंचे थे कैलिकट, उनका स्वागत करा था जामोरिन ने, ठीक है।
सबसे पहले पुर्तगालीन आए थे, साल था सन 1498 में, वही वास्को डी गामा आए थे। अंग्रेजों में सर कौन आया? तो अंग्रेज सर 1600 में आए थे, सर 1602 में आए, और सर आपका फ्रेंच आए 1664 में। आप देखो क्या नोटिस करो सर, ये आपको बातें सर मैं आपको ईयर ऑलमोस्ट हर दिन बता देता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके आने का सीक्वेंस हो जाता है पुर्तगालीन, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, और सर फैक्ट्री लगाने का सीक्वेंस में डच बाजी मार ले गए, सर इनके फैक्ट्री लगाने का सीक्वेंस हो गया पुर्तगालीन, डच, अंग्रेज और फ्रांस। बेसिकली यहाँ पे देखो DEF है और यहाँ EDF है, ठीक है। तो अब इन्हीं सब के बीच में जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे यूरोप से भारत व्यापार करने, तो आपस में लड़ेंगे भी, और जब लड़ेंगे सब कुछ लड़ाइयां हमने देखी थी। तो देखो देखो यहाँ पर लड़ाइयां कौन कौन सी हम देख चुके हैं। तो हमें देखी थी बैटल ऑफ सॉलिहोल। बैटल ऑफ सॉलिहोल में सर पुर्तगालीन वर्सेस अंग्रेज हुआ था, जिसमें पुर्तगालीन हार गए और अंग्रेज जीत गए थे। एक लड़ाई जिससे पुर्तगालीनों का वर्चस्व घटा और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा, बैटल ऑफ सॉलिहोल। बैटल ऑफ प्लाजी, सर प्लाजी में क्या होता है? प्लाजी में बहुत सिंपल सी बात है सर, हम बंगाल हार गए, पहला नवाब जो हारा था अंग्रेजों से उसका नाम था सिराज उद दौला, और बिकॉज ऑफ मीर जाफर हम हारे थे, सिराज उद दौला। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है सर, सिराज उद दौला और सुजा उद दौला में कभी कंफ्यूज मत होइएगा सर, सिराज उद दौला कौन थे और सुजा उद दौला कौन थे। देखो समझो बहुत ध्यान से, देखो सिराज उद दौला जो थे ना, ये बंगाल के नवाब थे, ही वॉज बंगाल नवाब, ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है। वहीं पर थैंक यू हितेन, थैंक यू। देखो अगर बात करें सकते हैं पे, देखो अवध, तो अवध के जो नवाब थे उनका नाम था सुजा उद दौला, उनका नाम था सुजा उद दौला। तो देखो भाई सुजा उद दौला अवध के थे, सिराज उद दौला बंगाल के थे, ठीक है। अब यहाँ पर सुजा उद दौला भी हारे हैं, पर ये हारे हैं बैटल ऑफ बक्सर में, ये हारे हैं बैटल ऑफ बक्सर में, और देखो सिराज आके हारे हैं बैटल ऑफ बंगाल में। सब बदेड़ा में फ्रांसीसी हारे थे, बदेड़ा में डच हारे थे, फ्रांसीसी तो हारेंगे अभी आपका वॉन्डी वॉच में, वनडी वॉच में गए फ्रांसीसी, ठीक है। पानीपत में सर सदाशिव राव की डेथ हो गई, सदाशिव राव की डेथ हो गई सर, उसी के बाद तो सारा कितना कि रायता फैल गया कि जब आपका आपका यहाँ पर बेसिकली हार गए थे आपका, कहते हैं हम लोग यहाँ पर सदाशिव राव भाऊ, उसी के बाद दिक्कतें शुरू होती हैं, कब होते हैं एंग्लो मराठा वॉर। और बक्सर से तो भाई भारत में दिल्ली चला गया, दिल चला गया, और बक्सर के बाद क्या हुआ सर 1765 में क्या हुआ सर, दीवानी के अधिकार चले गए, जमीन पे कर लेने के अधिकार चले गए। यहां तक हम सारी बातें कर चुके हैं, और ये आपका एक छोटा सा क्या रिवीजन हो गया कि सर जमीन से अधिकार जो कर लेने का अधिकार था वो मुगलों के पास था, वो चला गया आपका अंग्रेजों के पास 1765 में, बिकॉज शाह आलम टू बैटल ऑफ बक्सर हार चुके थे। यहाँ तक बिल्कुल सॉर्टेड है सर, फैंटास्टिक। अब देखो दक्षिण की तरफ आ रही आती, ये तो सब कुछ उत्तर उत्तर हो रहा था। दक्षिण में दो कौम बहुत ताकतवर थी, एक थे मराठा जिनके आप हम आपसे बात कर रहे हैं, और एक थे मैसूर। तो सर मैसूर के संग लड़ाइयां हुई हैं, एक नहीं दो नहीं चार चार, तो एंग्लो मैसूर वॉर 1, 2, 3, 4, इन चारों के ऊपर मेरे बने हैं दो क्लासेस, दोनों का आपको कहते हैं मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लगा दूंगा ऊपर आई बटन पे भी, जरूर से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में सर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, और मद्रास के चलते ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाती है, वहां पर साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस लड़ाई के बीच में ही हैदर अली, जो कि आपका कहते हो ना कि पिताजी थे टीपू सुल्तान के, इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हुई थी बीमारी से, और उसके बाद टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम आपकी होती है आपका कहते हो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, और इसी का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान लड़ते हैं चौथी एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें वो शहीद हो जाते हैं, उसमें वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहां तक हम पूरा पढ़ चुके थे अच्छे से, और इसी के साथ साथ हमने सब पक्का पढ़ा था कल की तारीख में एंग्लो मराठा वॉर 1, ठीक है। अगर सर यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, जल्द से बस हम सब कर देना कि सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है हमको, वेरी गुड। देखो भाई रिप्लाई करते रहो, बोलते रहो, लेकिन एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, ठीक है। शेर ए मैसूर, बिल्कुल शेर ऑफ मैसूर कहा गया आपका टीपू सुल्तान को, बिल्कुल सही है। तो समझो बहुत ध्यान से मेरी बातों का, मैं कहना पे क्या चाह रहा हूं, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे बेसिकली देखो ट्रीटी दो इंपॉर्टेंट है सर, ये शुरू होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से, ये शुरू होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से। ओके विशाल ने थम्स अप कर दिया है, गीता ने थम्स अप कर दिया है, वेरी गुड फैंटास्टिक। देखो ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरू होती है लड़ाई, और सर जाती है ट्रीटी ऑफ सालबाई तक,
ट्रीटी ऑफ सालबाई तक। और सर सालबाई की जो संधि थी यहीं पर लिखा था कि अगले 20 साल तक मराठा और अंग्रेज आपस में दोस्ती रखेंगे, लड़ेंगे नहीं, अगले 20 साल तक नहीं लड़ेंगे। लेकिन 20 साल के बाद तो लड़ेंगे, तो सर वही तो हो रहा है, देख लो ध्यान से। 1782, 1803, 20 साल बीत गए और 20 साल बाद दोनों लड़ते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अगर समझो सर इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये लड़ाई आखिरकार होती है तो होती क्यों है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा चार्ट। अब देखो वो चार्ट क्या है, ये चार्ट आपको मैंने कल ही बताया था सर, ये चार्ट है पेशवा का चार्ट है कि बाका कहते हो मराठाओं में पेशवा की जो एक है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, पी फॉर पेशवा, पी फॉर प्राइम मिनिस्टर, जो मेन अधिकारी था, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे सर, वो बेसिकली सबसे पहले थे बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद इनके बेटे बने बाजीराव वंश, जिनको जिनकी आपने पिक्चर देखी थी, ठीक है, इनकी वाइफ थी काशीबाई, काशीबाई से इनको दो पुत्र हुए बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव काबिल थे लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो फिर रघुनाथ राव जो कि इनके भाई थे, इनको राजा नहीं बनाया गया बिकॉज ये उतने काबिल नहीं थे, और राजा बनाया गया माधव राव वन को। यही बात इनको खटक गई चाचा को कि मेरे बैठे हुए मेरे भतीजे को बना दिया गया राजा, चलो कोई बात नहीं, हजम कर गए। माधव राव की डेथ हो गई, जिसके जब माधव राव की डेथ हुई तब इसके बाद इनसे रहा ना गया और फिर नारायण राव को बना दिया गया राजा, मतलब माधव राव के भाई को बनाया गया राजा, फिर चाचा राजा नहीं बनने पाए और फिर चाचा ने क्या करा, चाचा ने मार दिया नारायण राव को, और यहीं पर जाकर भाग कर कर ली ट्रीटी ऑफ सूरत साइन अंग्रेजों से, और जिसके बाद आपका पूरा एंग्लो मराठा वॉर हम लोग कल पढ़ चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर सबको समझनी पड़ेगी दो बातें और। अब देखो नारायण राव का एक बेटा है, नारायण राव का एक बेटा, देखो सुनना बहुत ध्यान से, यहीं पर होगा सारा कंफ्यूजन, बिकॉज फैमिली ट्री अगर क्लियर नहीं है, ट्रीटियां क्लियर नहीं है, तो भाई मराठा वॉर में कुछ और है भी नहीं, एक फैमिली ट्री है और एक संधियां हैं, इनको ध्यान से कॉपी पेन लेकर लिख लेना या वीडियो को बार बार, एक बार कहना कि एक बार देखने के बाद दोबारा तुम्हारा फिर देखना, पॉज करके लिख लेना, अदरवाइज अभी समझ में आएगा बाद में सब ऊपर से ऑल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर माधव राव टू जो है ना नारायण राव के बेटे हैं, माधव राव टू नारायण राव के बेटे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, और रघुनाथ राव के बेटे हैं बाजी राव टू। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का जिक्र भी होने वाला है, माधव राव को बाजी राव का भी जिक्र होने वाला है, और उसके अलावा देखो जिक्र होगा बाजी राव टू के अडॉप्टेड चाइल्ड का जिनका नाम है नाना साहेब, ठीक। चल अब समझो सर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। अब जरा समझो सर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। 1799 में क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखो ट्रीटी ऑफ सालबाई चल रहा है, ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या लिखा था कि 20 साल तक आपको कोई लड़ाई हम लोग को नहीं लड़नी है, तो 20 साल अभी खत्म नहीं हुए, 20 साल अपने चल रहे हैं, तो इसी बीच 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब इसके बाद अंग्रेजों के सामने जो सबसे बड़ा हडल था वो कौन था, वो तो सिर्फ मराठा। क्यों भाई, देखो उत्तर में तो पहले ही इनका वर्चस्व लहरा रहा था, मतलब उत्तर तो पहले अंग्रेजों के पास था सर, दक्षिण में मैसूर आ चुका था, अब जो नहीं आया था सर वो था ये मराठा। कौन, बस मराठा जो थे ना बस यही बचे हुए थे, बाकी सब तो अंग्रेजों के हत्ते ही चढ़ चुका था, तो मराठा को जीतना था। लेकिन अब समझो यहाँ पर मराठा को जीतने का मतलब क्या है कि पेशवा अकेले पूरे मराठा को चला नहीं सकते थे, तो पेशवा जो होते थे वो सबके हेड होते थे, पेशवा सबके हेड थे जो बैठते थे पुणे में, ये सबके हेड थे जो बैठे हैं पुणे में, और इनके सर कहते सिपा सलार होते थे जो अलग अलग जगह रूल करते थे, बोलते थे सरदार, इनको बोलते हैं सरदार, तो सरदार रिपोर्ट करते थे आपा कहते हो पेशवा को। और सर एक थे गायकवाड़ बैंक बड़ौदा का कहते वही गुजरात वाले, एक है होलकर इंदौर वाले, एक है सिंधिया ग्वालियर वाले, जी हाँ सिंधिया, सिंधिया आ गए थे ना कि जो सिंधिया बीजेपी में जाके मिल गए हैं सर, वो सिंधिया इन्हीं यही सिंधिया हैं, ठीक है, वो मतलब इनके पूर्वज थे सिंधिया भोसले एट नागपुर। तो कुल मिलाकर आप समझिएगा यहाँ पर तो गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले, ये चार इंपॉर्टेंट सरदार थे जो कि पेशवा को रिपोर्ट करते थे पुणे में, तो इनका हेडक्वार्टर बेसिकली पुणे बना हुआ था। अब यहां पर हुआ क्या कि बाजीराव टू बन जाते हैं राजा जब माधव राव टू की डेथ हो जाती है, मतलब सर समझो ध्यान से कि देखो ये फैमिली ट्री है, नारायण राव को मारा गया तो रघुनाथ राव राजा बनना चाहते थे, लेकिन ट्रीटी ऑफ सूरत करी, फिर लड़ाई हुई एंग्लो मराठा वॉर वन, लेकिन आपका अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ सालबाई अंग्रेजों के संग कर हमने बनाया किसको, पेशवा। तो अंग्रेजों ने पेशवा बेसिकली मान लिया था माधव राव टू जी को, मतलब माधव राव टू जो है यानी कि ये फाइनल राजा बन चुके थे, ये राजा बने हुए हैं। जब इनकी डेथ हो गई, और जब इनकी डेथ हो गई तो फिर अब कौन बनेगा, अब कौन बनेगा, तो अब बनते हैं रघुनाथ राव के बेटे
बाजीराव टू राजा। बाजीराव टू क्या बहुत ज्यादा काबिल थे? तो जवाब है नहीं, बहुत ज्यादा काबिल नहीं थे, बस थोड़ा सा कि चालाक थे और कहीं ना कहीं बस उनको शासन करना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिलकर और शक्ति से आपका काम नहीं कर पा रहे थे। तो फिलहाल बाजीराव टू राजा बन गए। अब बाजीराव टू ने यहाँ पर कोशिश करी कि मैं इन सब के ऊपर ना रूल करूं, इन सबके ऊपर ना शासन करूं, इन सबके ऊपर इन सबको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी, और उसी कड़ी का एक हिस्सा निकल कर आता है ये इंसिडेंट, जहां से पूरा एंग्लो मराठा वॉर ही कह सकते हो नींव पड़ी, और वो था विट्ठू जी। विट्ठू जी का खून हो जाता है जो कि यशवंत राव होलकर के भाई थे। मतलब क्या है, जो होलकर है इंदौर के, इनके भाई का इन्होंने खून करवा दिया। किसका खून करवा दिया? विट्ठू जी का। अब यहां पर होलकर भड़क गए, भाई किसी के भाई को मारोगे तो भड़केगा तो भाई। अब ये वो भड़क गए तो बाजीराव टू डर गए, तो बाजीराव टू भाग के जाते हैं किसके पास? वो जाते हैं आपका यहाँ पर कहते हैं सिंधिया के पास। तो ये पेशवा थे बाजीराव टू, ये भाग के गए सिंधिया के पास कि हम और तुम मिलते हैं और होलकर को हरा देते हैं। अब देखो जरा समझो, आपस में ही लड़े पड़े जा रहे हैं, अंग्रेजों को तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो बाद में आएंगे, या अभी आपस में बिंट पट लेंगे एक दूसरे से। तब यहाँ पर क्या होता है, होलकर निकलते हैं अपनी सेना लेकर, होलकर सेना लेकर निकले और उन्होंने पेशवा और सिंधिया इन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस को धूल चटा दी। मतलब समझो सिंपल है कि पेशवा एक तरफ हो गए, उनके साथ हो गए सर सिंधिया, तो पेशवा और सिंधिया एक तरफ है और इनके साथ वर्सेज हो गए होलकर। ये सब अभी आपस में कर रहे हैं अंग्रेजों का, अभी अंग्रेजों दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। पेशवा और सिंधिया इन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस हार जाती हैं और होलकर की फोर्स जीत जाती है। और ये हुआ क्यों? बिकॉज पेशवा ने आपका होलकर के भाई को मार डाला था। बात समझ में आई? चलो अब देखो यहां पे हो क्या रहा है। बाजीराव टू ने, अब ये बाजीराव टू जब देखे भैया हार तो गए हैं, तो अब करा क्या जाए, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए भागे भागे गए अंग्रेजों के पास, और यहां पर उन्होंने साइन करी ट्रीटी ऑफ बेसिन विद देम, यानी बाजीराव टू भागे भागे गए अंग्रेजों के पास, उन्होंने साइन करी ट्रीटी ऑफ बेसिन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपको देखो टाइटल में लिखा भी था कि ट्रीटी ऑफ बेसिन। अब ट्रीटी ऑफ बेसिन में क्या है ये भी हम समझते हैं, पहले इसी को समझते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन में क्या है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बेसिन में क्या है जरा समझिए ध्यान से। ट्रीटी ऑफ बेसिन सर पूरी आपको समझना है, इसको लर्न नहीं करना है, इसको रटने मत बैठ जाना, इसको लर्न नहीं करना है, इसको सिर्फ रीड करके छोड़ दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां बता रहा हूं, रट्टा मत मारने बैठना इसका। अब देखो ट्रीटी ऑफ बेसिन जो करी थी किसने, जो करी थी हमारे बाजीराव टू ने अक्का अंग्रेजों के साथ, बाजीराव टू ने करी है अंग्रेजों के साथ, बाजीराव टू ने करी है विद ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो इसके अंदर है क्या, इनको 6,000 बेसिकली सैनिक मिलेंगे जो कि पेशवा की रक्षा करेंगे। 6,000 सैनिक लेने के लिए इन्हें कितना कुछ देना पड़ा समझिएगा। यहाँ पर इन्होंने अपना जो एरिया था जहां से इनको करीबन 260,000 के आसपास का रेवेन्यू आता था, बेसिकली अगर कह दो सर 2,00,000 क्यों, 1,000,000 है ना, तो 1,000,000 की आपका 10,00,000 26,00,000 के आसपास का इनको रेवेन्यू आता था, वो इन्होंने छोड़ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हो गया कि सर इनके ऊपर अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। रिस्ट्रिक्शंस ऐसे कौन सी लगाई गई कि यहाँ पर संधि, ये कोई और संधि नहीं कर सकते, ये कोई भी संधि बिना कंपनी के परमिशन से नहीं कर सकते, ये किसी के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये अपनी टेरिटरी को बेसिकली एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये आपका सूरत और वडोदरा ये अंग्रेजों को दे देंगे, और बेसिकली जो भी यूरोपियंस हैं जो इनकी सेवा में हैं उनको हटा देंगे यहाँ पर। द पेशवा मस्ट एक्सक्लूड ऑल यूरोपियंस फ्रॉम हिज सर्विस, यानी जो भी यूरोपियंस आके गुलाम है उनको रिहा कर दीजिए, और आप कुछ भी करेंगे ना विदेशियों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ, तो हमसे पहले कंसल्टेशन करेंगे। यानी कुल मिलाकर अब हम आप मेरे क्लाइंट बन गए हो भाई, आप आए हो मेरे पास भागे भागे, अरे अंग्रेज भैया बचा लो हमको, मार रहे हैं होलकर। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुमको बचा लेंगे, हम तुमको 6,000 सैनिक देते हैं, उसके बदले तुम हमको क्या दोगे? तो उन्होंने 6,000 सैनिक के बदले बहुत कुछ दे दिया, 26,00,000 जहां से आता है वो एरिया दे दिया, एक संधि कर ली कि भैया तुम्हारे तुमसे पूछे बगैर हम किसी और से संधि नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर आपका वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम कोई टेरिटरी क्लेम नहीं करेंगे तुमसे बिना पूछे हुए, यहां तक कि हमसे सूरत ले लो ट्रेडिंग कर लेना, वडोदरा ले लो ट्रेडिंग कर लेना, जो भी यूरोपियंस हमारे गुलाम है उनको रिहा कर देंगे, और साथ ही साथ जो विदेशी हमारे संबंध है वो हम नए बनाएंगे तुमसे पूछकर। यानी कुल मिलाकर ये हो गया
सब्सिडरी अलायंस एक तरीके का, जो अंग्रेज चाहते थे करना हम लोगों से कि भैया आओ हमारे क्लाइंट बन जाओ, हम तुम्हारे माए बाप बन के रहेंगे। बिना मारे बिना कुछ करे अंग्रेजों को हमने अपने घर में खुद न्योता दिया कि आओ बैठो और चाय पी के जाना, यानी हमने उनके गंगो खुद ही कहा। अब तो देखो यहाँ पर उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा ना, पेशवा की ये गलती से इंटरफेरेंस बढ़ गया मराठा के अंदर आकर कहते हो अंग्रेजों का, और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बाकी लोगों को। देखिए समझे बहुत ध्यान से कि जो सिंधिया थे जो भोसले थे, देखो एक तरफ होलकर थे, सिंधिया थे, भोसले थे। अब जो सिंधिया थे इनको और भोसले को ये समझ में आया नहीं कि कर करके आयो, भैया तुम तो सब गवा के चले आयो, तो लड़ाई तो हमारी आपस में हो रही थी और तुम जाकर विदेशी को बोल कर आए कि हमको बचाओ और तुम सब कुछ जाकर दे आए उसको। तो सिंधिया और भोसले को ट्रिटी समझ में आई ही नहीं, और इसी के चलते आपका एंग्लो मराठा वॉर सेकंड होता है। तो क्या पूरा बैकग्राउंड समझ में आया कि कैसे हम आपस में ही लड़ बैठे थे, और कैसे ट्रीटी ऑफ बेसिन को जब नहीं माना सिंधिया और भोसले ने तो शुरू हुआ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अगर यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई है तो इसे बात थम्स अप कर दो। अगर पूरी बात क्लियर हो रही है तो ठोको ताली बजा के करो यार, लाइक टेंशन मत लिया करो। ओके फैंटास्टिक। भैया इतने कम लोग क्यों देख रहे हो? भैया 10:15 की क्लास है, मैंने आपसे टाइम पूछ के रखा था। हमारा टारगेट था कि हमें इस क्लास में करीबन करीबन 50 बच्चे तो रखने ही रखने हैं। आप लोगों ने कहा था 50 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। I can only see 16 right now. I can only see 16. हो सकता है 20 के आसपास गए हो, बट अगर टारगेट 50 का है और आ रहे हैं 20, तो भैया ये क्लास बहुत दिनों तक तो चला नहीं पाऊंगा। भाई देखो अगर मैं आपके लिए क्लास ला रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, बीच में एक दो दिन दिक्कत आई थी आपका नेटवर्क का, पर अभी कोई दिक्कत नेटवर्क का मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है, ना आज है ना कल था, तो सर दिक्कत नेटवर्क का कल भी नहीं, दिक्कत नेटवर्क का आज भी नहीं था, तो फिर 10:15 क्लास में आने में परहेज क्यों? CPO का नोटिफिकेशन आया है, आपको CPO का फॉर्म भरना है, CGL का पेपर लाइंड अप है, आपका अभी आपका CGL का Tier 1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, मतलब पेपर होंगे, 10+2 का आपका पेपर होना है, लाइंड अप है। तो भैया इतने सारे पेपर लाइंड अप है और बिना इतिहास के पेपर निकलना नहीं है, और सिर्फ मराठा वॉर इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझ में अपने आप आनी भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जब इतना कुछ है जो आपके फेवर में है कि भाई होगा, तो पढ़ने में क्या परहेज है? दोस्तों के दोस्तों को कल से लेकर आओ, भैया मुझे चाहिए कम से कम 50 बच्चे, मैं मुंह खोल के बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट 50+। 50+ की स्ट्रेंथ नहीं आएगी, मैं क्लास का टाइमिंग शिफ्ट कर दूंगा या तो क्लास बंद कर दूंगा। आई वॉन्ट कि भाई अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सर आपको वहां आना पसंद, सर दोस्तों को लेकर आना है कि भाई इतिहास पढ़ना है, कम से कम 50 बच्चे तो देखो मेरे भाई, ठीक है? चलो अब सर ट्रीटी ऑफ बेसिन हो गई। अब देखो यहां पर हम लड़ बैठे, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो गया, जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये, कंक्लूजन ये निकलता है कि सर सारे मराठा फोर्सेस मिलकर भी, मतलब सर सिंधिया भोसले सब मिलकर भी अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यहां पे देखो शास्त्र मैंने लिख दिया है, ऑल द मराठा फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन दीज बैटल। मतलब इन सारी बैटल में कौन हार गया? हिंदुस्तानी हार गए। मका अब यहाँ पर देखो ट्रीन संधियां हैं, इनको रट लेना, इनके नोट्स बना लेना, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सर संधि नंबर वन ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, ट्रीटी ऑफ दियोगांव और ट्रीटी ऑफ राजघाट। तो देखो सर ट्रीटी ऑफ सूरत हमने पढ़ी थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई हमने पढ़ी थी, सर ट्रीटी ऑफ अभी हमने पढ़ा है सर पीछे आकर ट्रीटी ऑफ बेसिन हमने पढ़ी है, अभी हम पढ़े रहे आकर ट्रीटी ऑफ सूरज अंजनगांव, ट्रीटी ऑफ दियोगांव एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट। देखो इतनी सारी ट्रीटी अगर खुद ब खुद पढ़ते तो याद रख पाते? सर शायद याद रख लेते, लेकिन सर आपस में मिक्स हो जाती। लेकिन जब इन्हीं ट्रीटी को मैंने आपको बताया है एक एक करके, सर ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ तो आपका पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ, सालबाई से सर पहला मराठा वॉर खत्म हुआ, बेसिन हुआ इसीलिए आपका कहते हो यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की, और खत्म होती है सुरजी अंजनगांव दियोगांव और आपका कहते हैं राजघाट के ऊपर। बात समझ में आ रही है? चलो लेट सी। तो ओके लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। बच्चे आप लोग कैसे अरेंज, मतलब कैसे आपको अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को लाना है उसके हम डिस्कशन करेंगे अभी। लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट राइट नाउ।
ठीक है, कम से कम हम अपनी पढ़ाई करो अभी फिलहाल यहाँ पर। देखो द सिंधिया साइंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव थ्रू विच द ब्रिटिश गॉट टेरिटरीज ऑफ रोहतक। अब देखो सवाल पेपर में बन सकता है कि सुरजी अंजनगांव किस साल साइन हुई थी, तो 1803 है, या फिर वो किसके साथ साइन हुई थी, तो वो है सिंधिया, वो है सिंधिया। तो सर सुरजी अंजनगांव किसके साथ, तो सिंधिया के साथ, साल 1803 है। तो देखो एस फॉर सुरजी और एस फॉर सिंधिया, इस बात को समझ लो, एस फॉर सिंधी, एस फॉर सिंधिया, एस फॉर सुरजी, एस फॉर सिंधिया, क्या दोगे सर उनको? गया क्या हमारे पास, तो हमारे पास चला गया उत्तरी हिस्सा, गंगा यमुना दुआब। सर कहाँ का हिस्सा? अरे उत्तरी हिस्सा, लखनऊ के आसपास का हिस्सा सर, वो जो आपका एरिया है जहाँ पर गंगा यमुना तहजीब की हम बात करते हैं, वो चला गया एरिया, यूपी के आसपास का एरिया चला गया, गुड़गांव चला गया, दिल्ली चला गया, आगरा चला गया, बरोच चला गया, और सर गुजरात चला गया, बुंदेलखंड चला गया, सर आपका अहमदनगर चला गया, ये सब कुछ चला गया, कहते हैं जो सिंधिया के पास चला गया अंग्रेजों के पास। अच्छा भोसले के साथ संधि कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ दियोगांव। और सर यहाँ जो ओडिशा का एरिया अपना, ओडिशा, ओडिशा कह लो, ओडिशा कह लो सर, वो चला गया कटक, बालासोर, बालासोर चला गया, और वाद्रा रिवर के आसपास का जो एरिया था वो चला गया। होलकर के साथ जो संधि साइन होती है उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ राजघाट, ठीक है। और सर अकॉर्डिंग टू विच आपका कहते हो बूंदी रामपुरा वाला एरिया अपना चला गया। तो कुल मिलाकर आपका जो एरिया है सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव, तो एस फॉर सुरजी, एस फॉर सिंधिया। आपका भोसले के साथ दियोगांव, देखो सिंपल, भोसले मतलब बी, और आपका कहते हैं दियोगांव यानी कि डी, तो पहले बी फिर डी, तो बी डी साथ साथ चलेंगे, बी डी साथ साथ चलेंगे, बी डी हो गया एक तरफ और एस एस हो गया एक तरफ, तो बचा कौन? होलकर बचे और राजघाट बचा, तो होलकर देख, होलकर नगरी राजघाट। तो सर ये तीन संधियां कर हमने खत्म करा अपना कहते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक। लेट्स मूव फर्दर। अब देखो भाई हुआ क्या, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो मराठा सल्तनत है ये सुकुड़ गई, ये कहीं ना कहीं देखो सुकुड़ गई, जो ऊपर तक हुआ करती थी, जो यहां तक हुआ करती थी, अब वो सिर्फ सुकड़ कर कहां तक रह गई, वो सिर्फ सुकड़ कर आकी रह गई यहां से यहां तक, तो यानी उसमें भी अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं आपका कहते हो ना कि बाजी मार ली थी, तो यानी कहीं ना कहीं अब जो एरिया था 1805 से मराठा सल्तनत का वो बहुत ही स्क्वीज आउट या कहते बहुत ज्यादा कम हो चुका था, ठीक। लेट्स मूव फर्दर। अब देखो यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है, भाई सेकंड क्लियर हो गई, पहली भी हमको क्लियर हो गई, देखो तो हमसे थर्ड में क्या हो रहा है, थर्ड वाली एकदम सिंपल है, 1817 में होती है 1818 तक। अब यहाँ पर जो अंग्रेज है वो ये चाहते हैं, वो ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई कुछ भी कर कर, साम दाम डांड भेद कर कर, हम बेसिकली पूरा मराठा अपने कब्जे में कर लें। क्यों सर ऐसा वो क्यों चाह रहे हैं? तो समझिएगा, जब ऑटोमेटिकली संधि हो चुकी है सुरजी अंजनगांव, दियोगांव और राजघाट, तो अब क्या दिक्कत है, अब क्यों लड़ रहे हो? लेकिन समझो अब हुआ क्या था, चार्टर एक्ट आपका दिखवाया था, थोड़ा सा पॉलिटिक्स को बीच में डालना पड़ेगा। चार्टर एक्ट 1813 याद है, मैंने यहाँ पे देखो करेक्टर लिख दिया, एक मिनट रुकना। चार्टर एक्ट 1813 आया था, किस किस को याद है सर चार्टर एक्ट? चार्टर एक्ट किस किस को याद है भैया? चार्टर एक्ट 1813 पढ़ाया है मैंने क्लासेस में, आपको पढ़ाया है, ये आपका बेसिकली हिस्सा है पॉलिटी का। अब इसी में देखो समझो, यहाँ पर बोल दिया गया था कि जो कंपनी है वो अपना व्यापार सिर्फ चाइना के साथ कर सकती है, वो फॉरेन व्यापार नहीं कर सकती है, मतलब सिर्फ चाइना के संग बेसिकली टी वगैरह में व्यापार कर सकती है, बाकी कंपनी का व्यापार सारा बंद कर दिया गया, कंपनी की जो कहते हैं ना इंडिपेंडेंस था वो भी छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो कंपनी जब बाहर व्यापार नहीं कर पाएगी भैया, भारत के अंदर व्यापार करेगी, तो उसको भारत का बड़ा एरिया चाहिए व्यापार करने के लिए, तो वहां पर कुल मिलाकर जो एरिया भी अभी तक कंपनी नहीं है वहां पे भी कंपनी अपने पैर पसारेगी। तो अब जो एरिया था सबसे बड़ा जो उनके पास नहीं था, वो दो एरिया थे, एक था पंजाब का और एक था मराठा का, जो भी इनके पास प्रॉपरली पूरा कम से कम नहीं आया था। तो मराठाओं को हराना थोड़ा आसान था क्योंकि पंजाब में तो अभी रंजीत सिंह का दौर चल रहा था। तो करना क्या है, करना सिंपल इतनी सी बात है कि सर अब कोई ना कोई वजह ढूंढो, वजह बने पिंडारी। पिंडारी कौन होते हैं सर? पिंडारी सर वही जो पिक्चर आई थी ना वीर, आपका कहते हो सलमान खान की, सर कुछ वही पंडारी बेसिकली होते हैं ना, वॉरियर होते हैं जो लड़ते हैं मराठाओं की तरफ से। लेकिन जब बहुत टाइम से कोई लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं रहा था, तो ये डाकू बन गए, ये लूटना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ पर अंग्रेज ये इल्जाम लगाते हैं कि पिंडारियों को शय है मराठाओं का, इसीलिए इतनी लूटपाट कर रहे हैं और ये हमारे एरिया में भी आके लूटपाट करके चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर पंडारियों के कंधे पर बंदूक रख के अंग्रेज करेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत। तो समझिए कैसे करेंगे,
अब यहां पर हुआ क्या कि द चीफ रीजन फॉर दिस वॉर वॉज द ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट विद द पंडारी। इसको बेसिकली हम लोग पंडारी वॉर भी कह सकते हो, जो तीसरी वाली लड़ाई है ना उसको लोग बेसिकली पिंडारी वॉर भी कह सकते हो। चलो सुनो ध्यान से, द मराठा चीफ पेशवा बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव टू एंड मल्होर राव होलकर एंड मुधुजी भोसले, ये एक साथ आ गए भैया। इनको लगा कि भाई कोई फायदा तो देखो है नहीं, जो सुरजी अंजन गांव की ट्रीटी है, जो आखिर कहते हो राजघाट की ट्रीटी है या दियो गांव की ट्रीटी है, इन तीनों ट्रीटी को भी हम देखें तो उसमें नुकसान हमारा ज्यादा है, अंग्रेजों का फायदा ज्यादा था। तो अब करा क्या जाए, तो इन बेसिकली तीनों पेशवाओं ने, बेसिकली एक पेशवा और तीन बाकी दो दो और लोग थे, इन्होंने कहा सर हम साथ आ जाते हैं, साथ मिलकर लड़ेंगे तो शायद हरा ले जाए। तो बाजीराव टू आ गए, होलकर आ गए और आके कहते भोसले आ गए। जैसे कहते ना कि सर आपका वो साइकिल और हाथी साथ आए थे कमल को हराने के लिए, पर हुआ उल्टा, कमल और ज्यादा खिल गया, हाथी साथी का मतलब चला नहीं कुछ। वैसे ही सर इनके साथ हो जाता है कि बाजीराव टू और होलकर और भोसले साथ आ गए लेकिन फिर भी कुछ चला नहीं, अंग्रेज ने इनको बिठा के पीट दिया। और सर समझो यहाँ पर जब अंग्रेजों ने इनको पीट दिया, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो फौज थी वो ज्यादा काबिल थी और अंग्रेज कहीं ना कहीं पहले ही अब सिंध लगा चुके थे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, अब ज्यादा कुछ था नहीं इनके पास सेना में भी, तो क्योंकि अब सब कुछ था अंग्रेजों के कंट्रोल में, तब ये बहुत जल्दी हार गए। जब ये बहुत जल्दी हार गए तो हुआ क्या, अब इन्हें साइन करनी पड़ी ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर। ट्रीटी ऑफ मंदसौर एंड ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ये दो ट्रीटी याद रखिएगा। तो सर कितनी ट्रीटी हो चुकी है, अभी अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर भी। जब मैं समझो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर किस किस के बीच साइन हुई है, 1817 में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन होती है शिंदे एंड ब्रिटिश के बीच में, इवन दो ही हैड नॉट बीन इन्वॉल्व। अब सर शिंदे कौन थे, शिंदे बेटे आपके ये थे दौलत राव शिंदे, दौलत राव सिंधिया, बेसिकली ये शिंदे को बोलते हैं सिंधिया, ठीक है। तो सिंधिया समझो वहां पे सर होलकर आ गए, भोसले आ गए, लेकिन सिंधिया अभी नहीं आए थे, लेकिन सर सिंधिया को संधि करनी पड़ी ग्वालियर की संधि। इवन ही हैड नॉट बीन इन्वॉल्व इन द पार एज पर द ट्रीटी, सिंधिया गेव अप राजस्थान, भैया राजस्थान चला गया अंग्रेजों के पास, समझो यहाँ पर ध्यान से। द राजा ऑफ राजपूताना, अब देखो राजपूताना और राजा बेसिकली बनते हैं हमारे प्रिंसली स्टेट, यानी कि हमारे जो रजवाड़े हैं ये रहते हैं ब्रिटिश के अंदर। आपको पता होगा कि रजवाड़े के तौर पर ये रहते हैं जब तक आजादी नहीं मिल जाती है, लेकिन सब कुछ चला गया अंग्रेजों के अंदर ही। और ट्रीटी ऑफ मंदसौर कौन साइन करता है, इसे साइन करते हैं होलकर। सर यहाँ पर सर होलकर साइन करते हैं और यहाँ पर एक बच्चे को बैठा देते हैं अंडर ब्रिटिश गार्जियनशिप। तो ब्रिटिश गार्जियनशिप के साथ चलते हैं, यहाँ पर बच्चों को बैठा दिया गया। अब यहाँ पर सर पेशवा का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सर पेशवा को हमने बिठूर में कैद कर दिया, बिठूर एक जगह है कानपुर के पास, और वहीं पर हमने पेशवा को बंदी बना लिया। हमने कहा देखो तुमको बेसिकली पेंशन पे रखेंगे और तुमको एक घर के अंदर या तुमको बेसिकली बंद रख दिया। तो पेशवा को हमने बिठूर में कैद कर दिया और पेशवा कानपुर के पास हम पे कैद होकर रह गए। अब इनके जो बेटा है बाजीराव टू के जो अडॉप्टेड साइन है वो है नाना साहिब, इन्हें इन्होंने कहा तुमको पेशवा नहीं मानते, हम तुमको पेशवा नहीं मानते, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर इनको पेशवा नहीं माना गया और कहा भाई तुम पेशवा पेशवा देखो नहीं हो। और यही बात के चलते 1857 की क्रांति में ये कूद पड़ते हैं और 57 की क्रांति की नींव यहीं पे पड़ गई कुछ हद तक। बात समझ में आ रही है, पेशवा का पद समाप्त हो गया, बिल्कुल सही, पेशवा का पद समाप्त हो गया। अगर आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई है जैसे थम्स अप कर देना। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर और नाना साहिब को उन्होंने जब नहीं माना पेशवा, तो वो आपका बेसिकली 1857 की क्रांति की नींव पड़ गई वहां पर। और इसी के साथ सर हम समझ ध्यान से, सर हम देखो हम ट्रीटी ऑफ सूरत देख चुके हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सालबाई सर जुड़ी हुई है पहली एंग्लो मराठा वॉर से, ठीक है। उसके बाद समझो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ, अगर बात करते हैं हम लोग सुरजी अंजनगांव, सुरजी अंजनगांव, फैंटास्टिक, सुरजी अंजनगांव, ट्रीटी ऑफ दियोगांव, ट्रीटी ऑफ दियोगांव एंड ट्रीटी ऑफ, बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर आपके सुरजी अंजनगांव, दियोगांव, राजघाट, सर ये जुड़ी हुई थी अपनी दूसरी एंग्लो मराठा वॉर से। उसके बाद देखो सर आपके यहाँ पर आ जाती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ मंदसौर, सर ये अपनी जुड़ी है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से। तो अगर आप इतनी ट्रीटी कम से कम याद रख लेते हो तो आपका बेसिकली काम बन जाएगा। देखो ट्रीटी बहुत सारी हैं, सब मैंने आपको नहीं बोला याद रखने के लिए, इतनी याद रख लेना, ग्वालियर, मंदसौर, राजघाट, दियोगांव, सुरजी अंजनगांव, बेसन, सालबाई, सूरत, इतना कम से कम याद रख लोगे तो 1, 2, 3 तक पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो 99.99% तुम कर ले जाओगे।
आप कर ले जाओगे, ठीक है। जो ही बेटा ट्रीटी और वॉर की आपको लिस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि ट्रीटी ऑफ मंदसौर किसने साइन करी थी। देखो होलकर के चीफ कौन थे, यहाँ पे देखो मैंने आपको होलकर के चीफ का नाम नहीं बताया, तो होलकर के चीफ कौन थे जिन्होंने साइन करी थी, और उस बच्चे का नाम क्या है जिसे बनाया, जिसे आपका अंग्रेजों की गार्जियनशिप में रखा गया था। तो आपको सर ये दोनों जवाब देने हैं मेरे को, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के ऊपर दोनों के आंसर दे सकते हो। अच्छा अब दोनों यहाँ पे होता क्या है, दिस वॉर लेड टू द एंड ऑफ मराठा एम्पायर। इसके बाद हुआ क्या कि मराठा कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों के सामने कहते सर अब हम हार गए, अब तुम हमारे माए बाप हो, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब सिंपल सा है कि सर अब भारत में है कौन, ये अवध का एरिया इनके पास बक्सर में आ गया था सर, ये इनके पास क्या तो पहले ही प्लाजी में आ चुका था, मराठा भी आ गए, मैसूर भी आ गया। अब सर ये वाला एरिया बचा है बस, सर ये वाला एरिया कौन सा, सर ये आपका एरिया है पंजाब का, सर ये एरिया पंजाब का सर यहाँ पर है आपका राजा रंजीत सिंह, और सर यहाँ पर होगी एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर अभी आपकी यहाँ पर होनी है, इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब समझो सर आज है अपना थर्सडे, आज है अपना थर्सडे, सर हम लोग ये कब देखेंगे, हम लोग सर देखेंगे, देखेंगे आप मंडे को, इसको हम लोग देखेंगे मंडे को, लेकिन सर फ्राइडे और सैटरडे बाकी है अभी। तो मेरे भाई आपको पता है फ्राइडे एंड सैटरडे को हम लोग क्लास करते हैं एमसीक्यू का, हम लोग का सर चल रहा है एमसीक्यू 300 प्लस की सीरीज, जिसके दो पार्ट हो चुके हैं सर, अभी तीसरा और चौथा पार्ट कल और परसों आएगा। तो उसको करने के लिए करना क्या है आपको, एंग्लो मराठा वॉर के तीनों बेसिकली जो आपकी तीनों लड़ाइयां हैं, और एंग्लो मैसूर वॉर की, तो एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर, ये इसके ऊपर हम जरूर क्वेश्चंस करेंगे। जो यूरोपियंस का अराइवल है, जो सॉली होल हुआ था, वडेरा हुआ था, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। और जो आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर, 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी, हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि प्रीवियस एंड फ्यूचर हम दोनों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कल और परसों, ठीक है। अब सर यहां तक कोई भी अगर डाउट आया हो आज की क्लास में, आप इसको वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, कोई डाउट अगर आए तो कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। और सर आपको अगर हमसे कनेक्ट होना है, सर टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और नाम है एग्जामोपीडिया प्लस, आपको वहीं पर आपको मिलेगा पीडीएफ भी, यहाँ पे आपको मिलेगा क्विजेस भी, यहाँ पे आपको मिलेगा सर आपका कहते हो बाकी न्यूज़पेपर वगैरह भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अब सर समझो बहुत ध्यान से कि सर यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर भी, सुबह 7 बजे और 11 बजे। 7 बजे मेरी क्लास होती है आपकी करंट अफेयर्स की, अगर आप तैयारी करो किसी पेपर की तो उसमें करंट अफेयर्स ना है, ऐसा नहीं हो सकता। और सर मैं आपको सर बताता हूँ 11 बजे स्टैटिक जीके, सर जिसमें से हमारा टॉपिक है कल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसके ऊपर हम लोग कल आपका क्लास देने वाले हैं कि कौन सी नदी पे कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो इसको अब तैयार कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप बेसिकली मेरे को फॉलो कर सकते हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी क्लास आपका होगा। और फेसबुक पेज का आपके यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ सर, फेसबुक पेज पर जरूर से आप लाइक कर दो, एग्जामोपीडिया प्लस फेसबुक पेज का नाम है, तो ठीक है सर, चलो फैंटास्टिक। दिव्या बेटा आपको इसके पहले का जो वीडियो है उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद पहले का वीडियो का सब जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको लगा दूंगा ऊपर आई बटन पे भी, या सीधा चले जाओ एग्जामोपीडिया प्लस यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है आप मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और एक और प्लेलिस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के, बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से, वहाँ पर आपको एमसीक्यू के बेसिकली लिस्ट मिल जाएगी। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज है, आप बस तो आपको बस पहुंचना है और आपकी पढ़ाई तुरंत चालू हो जाएगी एग्जामोपीडिया प्लस के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ तैयार रहिएगा आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी का, अगर आप फॉर्म भर रहे हो या आपके दोस्त फॉर्म भर रहे हैं या दोस्त फॉर्म भर रहे हैं, तो उसका स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर एग्जामोपीडिया प्लस पर मैं और शुभम सर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, एक धमाकेदार हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका कट ऑफ, एग्जाम का सिलेबस और आपको कैसे तैयारी करनी है वो सब बताया जाएगा डिटेल्ड में, ठीक है। चलिए तो सर आज की क्लास पर यहीं तक रखते हैं, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अब जाइए और अपना आज की रात इस वीडियो का नोट्स बनाइए, मुझसे मिलिए कल सुबह 7 बजे अनअकैडमी पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।